हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगरोटा सूर्या में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत नगरोटा सूर्या के पोंग क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि पोंग क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए शिकारी के साथ अन्य अनेक साहसिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से पोंग क्षेत्र के विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को शिकारा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। आज हमने ये बैठक इसलिए रखी थी कि जो हमारी यहाँ की निकटवर्ती पंचायतें हैं उसमें जो हमारी वर्कर्स कार्यकर्ता हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए और जो हमारे साथ ऑफिसर साहिबान आए उनके बारे में भी बहुत सी चीज़ों की जानकारी जो है वो आप लोगों को मिले। अभी हमने एक पैकेज जो है वो राहत कोष का अभी ऐलान किया एक हफ्ता पहले, एक मकान गरीब आदमी का मकान जो है वो 1,00,000 रुपये में नहीं दोबारा बनता, 2-3 मंजिला मकान। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि इस पैकेज में अगर किसी का मकान सारा गिर गया हो तो हम 1,00,000 रुपया नहीं देंगे, हम उसको 7,00,000 रुपया देंगे ताकि